नमस्कार दोस्तों, जुकी जैक ब्रदर जितनी भी इंडस्ट्रियल सिलाई मशीनें होती है जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाती है, अगर उन मशीनों का जो प्रेशर फुट होता है, अगर आपके मशीन का प्रेशर फुट बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठता है या बहुत ही कम ऊपर उठता है तो इसका क्या कारण होता है और कैसे सही करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने और सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको खोल लेता हूं और खोल के आपको इसके अंदर के पार्ट पूरे दिखा के समझाता हूं कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, किस कमी के कारण से ये प्रॉब्लम होती है और इसको हम कैसे सही करते हैं। तो चलिए इसको खोल लेता हूं। इसको खोलने के लिए देखिए, एक नट यहां पे है, एक नट यहां पे होता है, एक नट यहां पे होता है, टोटल तीन नट होते हैं। किसी किसी मशीन में सिर्फ दो ही नट होते हैं, एक यहां ऊपर एक यहां नीचे। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूं। बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको काफी सारी वीडियो सीखने को मिलेगी सिलाई मशीन से रिलेटेड। तो दोस्तों मैंने इसको फाइनली खोल लिया, ये देखिए अब आपको अंदर के इसके पार्ट पूरे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे ए टू जेड। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम किस तरह से करता है। अगर आप समझ गए कि ये काम किस तरह से करता है, प्रेशर फुट को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से मशीनरी टूल काम करते हैं, तो आप किसी भी मशीन के अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका प्रेशर फुट नहीं उठ रहा है या बहुत ही कम उठ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि किस तरह से काम करता है। देखिए ये हमारा प्रेशर फुट है, ठीक है, और यहाँ बीच में देखिए ये स्टॉपर है, ठीक है। ये प्रेशर फुट हमारा राउंड में गोल है, ठीक है, स्लिप करता है ऐसे पकड़ने से। तो आप डायरेक्ट, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि आप डायरेक्ट इस प्रेशर फुट को पकड़ के ऊपर उठा दोगे, ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो इसके लिए यहाँ बीच में स्टॉपर दिया होता है, ठीक है, और इस स्टॉपर से, इसमें देखिए नट दिया हुआ है, इस स्टॉपर से इस प्रेशर फुट को पकड़ के यानी जकड़ के रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से कनेक्टिविटी, देखिए यहाँ से हम ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी, देखिए यहाँ से ये ऐसे आया हुआ है सिल्वर कलर का प्लेट मोटा सा, और देखिए ब्लैक वाले में ऐसे पकड़ कर रखा हुआ है ताकि इसको ऊपर उठा के ले जा सके, ठीक है। जब हम इसको ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाते हैं तो देखिए यहाँ से इसको स्टॉपर को पकड़ के ऐसे ऊपर उठा रहा है, देखिए उठा रहा है ना, ठीक है। और ये स्टॉपर इस प्रेशर फुट को पकड़ के नहीं जकड़ के रखा हुआ ताकि हिले ना, ठीक है, इतना सा आप समझ गए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, किस कारण की वजह से हमारा प्रेशर फुट ऊपर नहीं उठता है या बहुत ही कम ऊपर उठता है। कारण देखिए, कारण ये होता है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ तब आप समझोगे सही से। ये देखिए इसको खोल लेता हूँ, पहले हल्का सा ढीला करना है, ठीक है, इसको हल्का सा ढीला कर लेता हूँ। ये देखिए अगर ये हमारा नट ढीला होता है तो देखिए फ्री हो गया, ठीक है, फ्री हो गया मतलब कि ये नट ढीला है, इस प्रेशर फुट को जकड़ के नहीं, पकड़ के रखा हुआ नहीं है, और हम इसको ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ऊपर नहीं उठता है क्योंकि सिर्फ हमारा जो स्टॉपर है यही ऊपर उठता है क्योंकि ये स्लिप हो गया, ठीक है, नट इसका लूज है, इसको पकड़ के नहीं रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना इतना। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, मतलब अगर आपका प्रेशर फुट बिल्कुल ही ऊपर नहीं उठता है तो उसको सही करने के लिए आपको इस वाले नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है, इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल टाइट कर देना अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है तो। अब देखिए टाइट करने के बाद इसको उठाएंगे तो आराम से ऊपर उठेगा, देखिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों, अगर आपका प्रेशर फुट बहुत ही कम ऊपर उठता है, थोड़ा ऊपर उठता है, तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है और उसे हम कैसे सही करते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपको, ये देखिए इस वाले पार्ट को ऐसे बिल्कुल नीचे कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना जो इसकी कनेक्टिविटी है, ये देखिए यहाँ पे है, और हमारा ये जो स्टॉपर है, ये वाला पार्ट है जो हमारे प्रेशर फुट को पकड़ कर रखा हुआ है, ये इस कनेक्टिविटी से थोड़ा सा ऊपर सेट है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जब हम प्रेशर फुट को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना दूर गैप है खाली है कि प्रेशर फुट ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है, देखिए नहीं उठ रहा है ना। और इसके बाद जब इतना ऊपर आ जाएगा तो टच हो रहा है इसमें, देखिए अब इसको इतना ऊपर उठाने के बाद ये हमारा कनेक्टिविटी इस स्टॉपर को टच कर रहा है। अब यहाँ से इससे ऊपर अगर हम उठाते हैं तब जाके हमारा प्रेशर फुट ऊपर उठता है, इस कारण से हमारा प्रेशर फुट बहुत ही कम ऊपर उठता है। देखिए अगर ये हमारा जो स्टॉपर है, मतलब कि जो पार्ट है जो हमारे प्रेशर फुट को पकड़ के रखा है, अगर हम इसको नीचे करके सेट करते हैं तो हमारा जो प्रेशर फुट है वो थोड़ा ज़्यादा उठेगा, जितना ये गैप है
उतना और ऊपर उठेगा, ठीक है, समझ गए इस बात को ना। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपको इसको नट को ढीला करना है, लूज करना है, ठीक है, इस नट को हल्का सा लूज करना है, और लूज करने के बाद आपको जो ये वाला पार्ट है इसको आपको पूरा नीचे कर देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये वाला पोजीशन जितना नीचे आता है इसको ऐसे नीचे करके इसको नीचे सेट कर देना है, ठीक है, इस वाले को कनेक्टिविटी को, जो यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है सिल्वर वाला, ठीक है, ये वाला इसको पूरा नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद फिर इस नट को लूज करने के बाद आपको इसको ऐसे नीचे सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको आपको इस नट को लूज कर लेना है, ठीक है, ध्यान देना खोलना नहीं है, ठीक है, बस लूज करना है, और लूज करके आपको इसको नीचे करना है। अगर आपका मान लो ऑटोमेटिक, ये देखिए जो वाला पार्ट है, अगर ऑटोमेटिक नीचे नहीं आता है तो आपको ऐसे पेचकस से इसको ऐसे हल्का सा नीचे ऐसे ठोक देना है, ठीक है, और ठोक के इसको नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद फिर आपको इसको नट को टाइट कर देना है अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा प्रेशर फूट पूरा यहाँ से यानी स्टार्टिंग से ही ऊपर उठने लगेगा। ये देखिए स्टार्टिंग से ही ऊपर उठ रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, हमारा प्रेशर फूट जो है वो थोड़ा ज़्यादा उठेगा, ठीक है, यानी ज़्यादा उठने लग जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे यहाँ देखिए, ठीक है, अब ज़्यादा उठ रहा है ना, तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सारा कुछ सेटिंग करते हैं। अगर प्रेशर फूट आपका ऊपर नहीं उठता है या फिर बिल्कुल कम ऊपर उठता है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं या फिर सिलाई मशीन रिपेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Preparing. Learn all skills only on Sangam Industries. Subscribe now.